Today we are going to discuss about the first chapter of class 8th, that is rational number. Okay, so let's start. Rational number any number which we can write in the form of p by q, that means hum kisi bhi number ko p by q ki form mein likh sakte hain, so they are basically the rational numbers. Wo rational numbers hote hain, jaise ki 1 by 4 rational number hai, p upon q ki form mein hai, numerator mein p hai aur denominator mein q hai, aur kya ho sakta hai, 7 by 2 rational number hai, hai na? तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि 5 भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं होता, तो क्या होता है 1, वो भी रैशनल नंबर है, तो इसको हम 5 by 1 करके लिख सकते हैं. और क्या होते हैं रैशनल नंबर, -1/2, ये भी रैशनल नंबर है, -5 भी रैशनल नंबर है, -6 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है. तो क्लियर हो व्हाट आर रैशनल नंबर्स, एनी नंबर व्हिच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p / q, जिनको भी कोई भी फ्रैक्शन होगा वो रैशनल नंबर है. हम जिनको भी p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं. क्लियर हो गई बात. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक दफा सभी प्रॉपर्टीज रिपीट करवाएंगे, तो प्रॉपर्टीज रिपीट होने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, यहां पर लिख लेते हैं हेडिंग में प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिविटी, दैट मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर मैं बोलूं 5 + 2 तो क्या होगा 7, अगर मैं बोलूं 2 + 5 तो भी क्या होगा 7. तो यानी कि अगर मैं किसी चीज को आगे लिखूं और किसी डिजिट को पीछे, किसी नंबर को पीछे लिखूं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में, प्लस करने में, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी. सो एडिशन इज क्लोजर इन कॉम्यूटेटिव. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो एडिशन होता है वो क्लोजर होता है, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यदि मैं लिखूं a प्लस बी और लिखूं b प्लस a तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि 2 + 5 = 5 + 2 = 7, दोनों का ही आंसर 7 आएगा. क्लियर हो गई बात. ओके, तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है एडिशन में और साथ में मल्टीप्लीकेशन में भी. तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मैंने a मल्टीप्लाई b लिखा और b मल्टीप्लाई a, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 × 5 = 5 × 2 = 10, दोनों ही केसेस में 10 मिलेगा. तो यानी कि इन मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, मल्टीप्लीकेशन में भी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, होती है. क्लियर हुई कॉम्यूटेटिविटी. ओके, अच्छा सब्ट्रैक्शन में करती है, नहीं सब्ट्रैक्शन में नहीं करती. एग्जाम्पल दे देते हैं, 7 - 5 और पहले 7 - 5 करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, 2. फिर हमने किया 5 - 7, क्या आंसर आएगा, -2. तो यहां पे होल्ड नहीं करती, समझ आ गई बात, डिवीजन में भी नहीं करेगी, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे करके लिखा जा सकता है कॉम्यूटेटिविटी मतलब. ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके, मतलब पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट कर लेना, फिर अगली प्रॉपर्टी करते हैं. हर में ऐसे ही करना है, बार बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या इसको एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं. व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास यदि 3 नंबर हैं, तो उन 3 नंबर्स में हम पहले किन 2 नंबर को सॉल्व करें, फिर उनके जो आंसर आएगा उससे तीसरे को सॉल्व करें,
तो आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? वो एसोसिएटिविटी है। तो भैया एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, यानी कि सॉरी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि हम किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व कर सकते हैं फिर थर्ड को कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा बराबर आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, उसमें आंसर अलग आ सकता है। तो इसमें भी जो एसोसिएटिविटी है इट होल्ड्स इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट होल्ड्स इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो लेट्स सी, ए मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट लगाया है तो यानी कि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, और ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये दोनों का आंसर बराबर आएगा। करके देख लेते हैं। मान लो हमें लिखा टू मल्टीप्लाई फाइव, यहाँ पे थ्री लिख देते हैं ना, यहाँ मैंने लिखा टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव। तो पहले ब्रैकेट वाला करते हैं, देखते हैं कि आंसर बराबर आएगा। पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को, LHS को, 2 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 2 30, तो यहाँ तो आंसर 30 आ रहा है। अब LHS को करके देखते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को करेंगे 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ भी 30 आ रहा है, तो बराबर है। तो यानी कि इसमें भी होल्ड करती है, मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। पहले हम चाहे तो इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बात सेम ही रहेगी। समझ आ गया? किसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो वो एसोसिएटिविटी है। ऐसी एडिशन में भी एसोसिएटिविटी होती है। टेक स्क्रीनशॉट एंड देन नोट इट डाउन। ओके, एडिशन में भी एसोसिएटिविटी होती है। लेट्स सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या मतलब है? 2 प्लस 5 प्लस 3। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, LHS, इन दोनों को किया पहले, क्या आया? 8 प्लस 2 10। RHS को करते हैं, देखते हैं 10 आएगा, इन दोनों को किया पहले 7 7 प्लस 3, यहाँ पे भी 10। तो यानी कि एडिशन में भी एसोसिएटिविटी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले भी कर रखी होगी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी ब्रैकेट में यदि लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब है कि ए मल्टीप्लाई पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरफ से भी देख सकते हैं। इस तरफ से कैसे देखेंगे, देखो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दोनों में ए आ रहा है और बीच में प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूँगा, ए को कॉमन ले लूंगा, ए को कॉमन ले लिया और यहाँ ब्रैकेट लगाया, बी प्लस सी रह गया। इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है और ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ए पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, और बीच में क्योंकि प्लस का साइन है प्लस का रहेगा। इस वाले में क्या होगा कि हम देखेंगे कि ए इससे भी मल्टीप्लीकेशन में है, ए इससे भी मल्टीप्लीकेशन में है, सी के साथ भी है, बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, यहाँ बी बचा, यहाँ सी बचा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, समझ आया? और बी और सी के बीच में प्लस का, क्लियर? इस बात को नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, प्रॉपर्टी काम आएगी। इसको चाहे तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं, देखो टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन, इसको कैसे करेंगे, पहले टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने किया टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगाया, टू को वन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आया सिक्स प्लस टू एट आंसर, समझ आया? तो इसको मैंने पहले ऐसे करके लिख दिया, ये कैसे लिखा हुआ था ऐसे LHS वाला, फिर इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये जो लिखा होगा ये ऐसे लिखा होगा, देखो
टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई वन, इसको मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे करके लिखूंगा, टू कॉमन लेके फिर देखते हो गए या नहीं। यहाँ भी टू मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ भी टू मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने टू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, थ्री प्लस वन। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, थ्री प्लस वन फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट, यहाँ भी एट आ रहा है। तो मैं जानी बात इसको क्लिक करके नोट कर लो, बाबा करना, कम से कम तीन या चार बार इसको करके देखना है तो इजीली क्लियर हो जाएगा। बार बार इसी को ही करके देखना, हो जाएगा कि कॉमन कैसे लिया है, क्या क्या लिया है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स बराबर, मतलब सेम, सिमिलर, एक जैसा। तो अगर हम किसी चीज को किसी से मल्टीप्लाई करें और हमको आंसर में वही चीज मिले तो वहां पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो देखते हैं किससे, वन को जब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर में मिलता है। जैसे कि मैंने फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को फाइव मिला, टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को टू मिला, ए को वन से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ए मिला। समझ आ गई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यही है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, समझ आया। फिर ऐसे ही है एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जीरो से प्लस करना कि वही आंसर मिले। तो मैंने फाइव को जीरो से प्लस किया तो मेरे को फाइव मिला, टू को जीरो से प्लस किया तो मेरे को टू मिला, ए को जीरो से प्लस किया तो मेरे को ए मिला। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।